मनोज कुमारी आज घर रह गए। और अच्छा कैसे हैं? बस सही है। बीच में करे यार, हद होगी यार।
रात की नींद में रही है तो कार चला एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर है। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन लगी हुई है अभी कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पर अभी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी अभी यहाँ कुछ क्षणों के अंदर आने वाली हैं। और उससे पहले जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, सुरक्षा के जो बंदोबस्त कर रखे हैं, वो एक एक करके कतार वाइज अंदर को प्रवेश कर रहे हैं और अच्छे अनुशासन के तहत अपनी कतार वाइज एक एक कर कर जा रहे हैं। और मैं सामने एक दिखाने जा रहा हूँ, जनपद हापुड़ से हैं और पंचशील उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक लाल किला ले रखा है। लाल किले के बराबर में माननीय कांशीराम साहब का फोटो है और बीच में मायावती जी का फोटो है और बीच में इधर साइड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने लाल किला क्यों लिया है और इस पर तिरंगा फैला रखा है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम यशपाल गौतम है। यशपाल गौतम जी आप कहाँ से आए हैं? मैं जनपद हापुड़ पंचशील नगर से आया हूँ। और सर ये आपने लाल किला, इतना विशाल लाल किला आप सिर पर उठा रखा है, इस लाल किले का क्या महत्व है, क्या कारण है? जो आज इस समय जो सरकार चल रही है इस समय बीजेपी की, और जो भी जितना भी दबा कुचला समाज है, चाहे वो, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है, खाली ये जो है जाटाओं की पार्टी नहीं है, ये सर्वो समाज की पार्टी है। और सर्वो समाज की मांग यही है कि 2019 में बहन जी जो है इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं बहन जी को। जी जी जी। तो ये लाल किले का आपने क्यों दर्शाया? ये जब बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो आने वाली 15 जनवरी को बहन जी जो है लाल किले से ही जो है स्पीच देंगी। और जो 15 अगस्त को। अच्छा जी जी, बहुत अच्छी बात। जो लाल किले का जो दिखा रखा है, एक तरफ माननीय कांशीराम साहब और दूसरी तरफ अब ये देखिए, ये जो अभी इन्होंने इनको बदला है और इस पर लिखा है जय भीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और लोकसभा दिल्ली जनपद हापुड़ का ही इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। यशपाल गौतम है, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लाल किले को सजाया है और इनकी उम्मीद है कि आने वाली 15 अगस्त को और जो 2019 में जो चुनाव होने जा रहा है, ये इनका सबका मानना है, सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का मानना है कि आने वाली 2019 में जो चुनाव होंगे उसमें मायावती जी जीत कर आएंगे और मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग आज कैडर कैंप है। कुछ ही क्षणों के अंदर बहन कुमारी मायावती जी इन सभी कार्यकर्ताओं को, जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी कैडर कैंप देने जा रही हैं। Come on, come on, come on.
जिंदाबाद जिंदाबाद।